दोस्तों के हालचाल, रामकृष्ण आश्रम मार्ग से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। हम गए विद माई वाइफ, तो आपको मैं पूरी जर्नी दिखाऊंगा। माता वैष्णो देवी की पूरी यात्रा आज हम जा रहे हैं। चलो बुलावा है, माता ने बुलाया है। दोस्तों जय माता दी, हमारी बस यहाँ से सब चल पड़ी है। हम सुबह पहुँचेंगे कटरा। ये हमारा बस का कुछ लोग स्लीपर और सीटिंग है, हमने सीटिंग ली है क्योंकि सीटिंग ज़्यादा कंफर्टेबल है स्लीपर से, लेकिन अगर हमें मौका मिलेगा तो हम स्लीपर भी ले लेंगे। मिलते हैं दोस्तों कटरा में, और बस का कुछ सफ़र बीच में रहेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। रात के 12:30 हो गए हैं और हम किसी बेकार से ढाबे पे रुके हैं। चाय पीने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। ये ढाबे का नाम है, ढाबे का नाम है नीलकंठ ढाबा। कसम से चाय पीने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। ये हमारी बस है पीछे आर एस यादव। 12:30 हो रहे हैं, हम कुरुक्षेत्र के आसपास कहीं आके रुके हैं, तो मैक्सिमम बाय 30 मिनट और 45 मिनट्स यस हमाला पहुंच जाएगी। दोस्तों चला जाए सोया जाए बस में, यहाँ बाहर तो बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर। सो देखते हैं, चलो दोस्तों मिलते हैं फिर सुबह कटरा में। आपको दिखाता हूँ मैं कितनी ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ पड़ रही होगी तो ज़रूर दिखाऊंगा। उम्मीद तो पूरी है बर्फ़ पड़ने की, बट देखते हैं क्या हिसाब किताब होता है। चलो दोस्तों मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, हम जम्मू पहुंच चुके हैं और यहाँ से कटरा कोई 55 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कटरा हम पहुंचेंगे कोई यही 8:19 हो रहे हैं, हम कटरा पहुँचेंगे तकरीबन 10 बजे के आसपास। बस अभी रुकी हुई है, सवारियाँ उतर रही है जम्मू की। मिलते हैं दोस्तों कटरा में, कटरा के नज़ारे दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम यात्रा शुरू करेंगे तकरीबन 11 बजे। क्यों दीपक जी, 11 बजे शुरू कर देंगे हम यात्रा? 11 बजे ठीक है, चलो जी 11 बजे हम यात्रा शुरू कर देंगे क्योंकि अभी हम बिल्कुल फ्रेश है, रात को सो गए थे अच्छे से। स्लीपर कोच है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा स्लीपर कोच है।
अपना इसमें आराम से दो बंदे फिट हो जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ आती है, पूरी प्राइवेसी भी होती है, सामने सिटिंग सीट से भी अच्छी बस है।